इस वक्त हमारे साथ अंगद मौजूद है। आप लोगों ने देखा होगा कि विधानसभा घेराव के लिए जब अभ्यर्थी विधानसभा का कूच कर रहे थे तब अंगद ही आपको ज्यादा नजर आ रहे होंगे, क्योंकि ये लोगों को बचा रहे थे और खुद लाठी भी खा रहे थे। बातचीत करते हैं अंगद से कि अंगद, हर आंदोलन में हमने आपको देखा कि किस तरीके से आप लोगों को बचाते और खुद लाठी खाते, क्या ये सच है? देखिए, एकदम 110% सच है, इसलिए कि हमारा जो चमड़ी है टीचर का, घर का, प्रशासन का मार खा खा के मोटी हो गई है, इसीलिए हमको लगता है हम झेल सकते हैं, इसी के लिए बचाते हैं, यही बात है। इसी के लिए चाहे जयराम दा हो चाहे और कोई अनेकों पर्सन, हम उसको बचाने का कोशिश पूरा करते हैं। आपने जयराम दा का नाम लिया, हमने आपको देखा कि विधानसभा का घेराव में सब लोग चले गए थे लाठी के डर से, आप जयराम महतो के बगल में बैठे हुए थे और उनको लगातार बचा रहे थे। देखिए, हम जब आंदोलन में आए थे, ये शपथ लेके आए थे कि आर या पार, ठीक है, मैं सोच के ही आया हूँ कि जो मैं हूँ ये आंदोलन में या तो अपने आप को नाश कर दूंगा, नहीं तो फिर अपने आप को, जो भी है, इस आंदोलन को जब तक चलेगी मैं इसमें अपना सपोर्ट देते रहूंगा, समर्थन देते रहूंगा। और बात रही जयराम दा को, वो जो है एक ऐसे फेस हैं जिसको पूरे झारखंड वर्ष में लीडर की तरह देखा जा रहा है, तो मैं नहीं चाहता हूँ मेरे लीडर को एक भी खरोच आए, इसीलिए मैं उनसे लिपट के चाहे जो जिस तरीके से मैं बचाने का जितना कोशिश किया उतना मैं कर ही रहा हूँ। अगर आप खुद के बारे में नहीं सोचे कि इतना लाठी चार्ज हो रहा है, मुझे अगर चोट लग गया तो मैं घर कैसे जाऊंगा, ये आपके दिमाग में नहीं आया? नहीं, उस समय जो जोश और उमंग था ना, मैं एक ही बात लेके चला था, या तो भगत सिंह की तरह रहना है नहीं तो उधम सिंह की तरह रहना है। भगत सिंह की तरह कैसे, साथियों के साथ बलिदान हो जाना है लेकिन पीछे नहीं हटना, और उधम सिंह की तरह कैसे कि हम जो हैं आज लाठी खाए हैं यहाँ सोच के रखेंगे, पेशेंस कंट्रोल बना के रखेंगे और उसको मौके पे हम देंगे। मतलब आपको अच्छा लगता है कि लोगों को बचाना, लोगों को कोई नुकसान ना हो, इन तमाम चीज आप सोचते हैं, खुद के बारे में क्यों नहीं सोचते? खुद के बारे में सोचेंगे, पहले तो अभी झारखंड का बात हो रहा है, इसलिए अभी फिलहाल झारखंड के लिए सोच रहे हैं, हमारे बारे में तब सोचेंगे, तब हम सोचेंगे जब मेरा झारखंड सर्वगुण संपन्न हो जाएगा, यहाँ की नौकरी यहाँ के स्थायी लोगों को मिले, यहाँ का जो जितने भी अनेकों चीज है यहाँ के आदमियों को 90% मिले, तब मैं फिर अपने आप के बारे में सोचूंगा। 21वीं सदी में जी रहे हैं लोग, पहले खुद को बचाते हैं फिर दूसरे को बचाने की सोचते हैं, ये कैसे आपके दिमाग में आया कि पहले हम अपने साथियों को बचाएंगे उसके बाद तो मैं खुद बच जाऊंगा? देखिए, आपने जैसे कहा कि 21वीं सदी है, ठीक है, यहाँ पाप बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, तो किसके वजह से धरती बचा हुआ है, तो वही जो एक इंसान होता है उन्हीं के वजह से यह धरती बचा हुआ है, अन्यथा कब के नाश हो जाती है, हमने पुराणों में भी सुना है और किसी में भी, तो एक इंसान सही तो हो, बाकी बात खुद ब खुद हो जाएंगे, हमारे जैसे और भी हो जाएंगे, कहे कि आदमी जो है देख के ही सीखता है, तो मैं बोल रहा हूँ मुझे देख के सीखो कि झारखंड के लिए और लीडर के लिए किस तरह लड़ा जाता है, उनको बचाया किस तरह जाता है। अच्छा, आप आंदोलन की बात कर रहे हैं, किस तरीके से आंदोलन आगे लेकर जाइएगा? देखिए, अभी तो फिलहाल हमारी कोर कमेटी और जितने छात्र लोग, नेता है और क्रांतिकारी, वो लोग एक जगह बैठ के समीक्षा करेंगे, उसके बाद ही हम लोग आगे ले जाने का प्रयास करेंगे, काहे कि जब तक विचार विमर्श नहीं होगा तब तक आगे बढ़ नहीं सकते हैं, बिना विचार का बिना विमर्श का आगे नहीं जाया जा सकता, ये एकदम कंठस है, तो विचार विमर्श होगा, जिस तरीका से आदमी, जिस तरीका से हमारे लोग बोलेंगे हम उसी तरह कुछ करेंगे। अच्छा, फैमिली मेंबर में हम लोग देखते हैं कि जो हमारे गार्जियन होते हैं वो पूरे फैमिली मेंबर को बचा कर रखते हैं, आप भी गार्जियन जैसा ही कर रहे हैं कि आप लोग आगे बढ़ो हम साथ हैं, मतलब आप सिर्फ अकेले साथ हैं? नहीं, हम अकेले साथ नहीं है, और भी है, लेकिन वहाँ मीडिया भाई लोग कने कने कैमरा घुमा के देखिए, पगड़ी वाला आदमी एकलौता दिखता है, ठीक है, तो इसी के लिए हमें को दिखा देता है, ऐसा नहीं कि हम अकेले, तो वहाँ रहते हैं तब ना मीडिया वाला आपको दिखाता है? नहीं, फोकस किस पे होता है जो अलग तरीका का दिखे, इसी के लिए आदमी हमें फोकस कर लेता है। लेकिन हमेशा आप ही रह जाते हैं, जब किसी पर लाठी चार्ज होता है तो देखा जाता है अमूमन कि अंगद वहाँ पर है, लोगों को बचा रहे हैं। जी, मुझे अंदर मन से आता है कि हमारे आदमी को मार नहीं खाने देना है, इस और मैं मन की आत्मा का सुनता, दिमाग का कभी नहीं सुनता, दिमाग से मैं कभी चलता ही नहीं, मन मेरा जो करता है मैं वही करता हूँ। कौन सा मूवी फेवरेट है अंगद आपका? हमारा मूवी तो हमारा एक ही है, द लेजेंड ऑफ भगत सिंह,
वही है उधम सिंह, यही सबको मैं उन्हीं से इंस्पायर हो रहे हैं। हाँ, उन्हीं से इंस्पायर हो रहे हैं और उनको देख के ही सीखता हूँ कि हमारे बाबा बंदा सिंह बहादुर जी हैं सिख कौम में, उनका कहना था कि अगर मरो तो ऐसे मरो कि लोगों के लिए प्रेरणा लायक हो। तो मैं वही चाहता हूँ कि मरो तो ऐसे मरो कि अगला सोचे कि नहीं, जीना इसी का तरह, मरना भी इसी की तरह। अच्छा, 740 नियोजन नीति को लेकर आप क्या सोचते हैं अंगद? देखिए सर, मैम साहब, ऐसा है कि 740 आप सोच सकते हैं, अगर अभी आप बिहार का देखिए डोमिसाइल नीति लगाने के लिए बोल रहा है, वो लोग झारखंड यहाँ आए हैं, तो देखिए यहाँ काम करने आए आदमी, हमारे लोग भी जाते हैं, बाहर जाते हैं, काम करने जाते हैं, ऐसा नहीं कि लीडर बन जाते हैं, ऐसा नहीं कि रंगदार बन जाते हैं, लेकिन बाहर से आए लोग यहाँ, देखिए हम कमाने खाने हैं, हम मना नहीं किए हैं, लेकिन आप यहाँ रंगदार बन जाते हैं, बॉस बन जाते हैं, तो आप नेता बन जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, चलिए ये सब आपके लिए शोभा नहीं देता, आप यहाँ काम करने आए सर, ठीक है काम कीजिए, लेकिन आप 740 बोल रहे किस तरीके से बर्दाश्त करेंगे आप? मैं अकेला गोटा घर बनाऊंगा, उसमें बोलेंगे कि 100% 20% इनको दे दो, बाकी 80% हमको, हम बोलेंगे भैया मेहनत से हम बनाए ना, आपको तो फ्री में मिल रहा है, तो मेहनत से बनाया हुआ चीज को मैं हक और छाती ठोक के लूंगा, किसी को दूंगा नहीं। आप एक फीता जमीन के लिए विवाद हो जाता है तो नौकरी का बात है, बहुत बड़ा विवाद कर देंगे, ठीक है? तो यही चीज बात है, 740 हम लोग कैसे बर्दाश्त करेंगे, बर्दाश्त ही नहीं करने का बात है ये 740। देखिए अभी जो एक प्रदीप क्यों तिवारी जी हैं, ठीक है, जो भी वो जो है क्या बोलते हैं कि भैया झारखंड में हम लोग रहते हैं, हम लोग यहाँ से जन्म लिया तो झारखंड हम लोग का भी है, अब आप ही लोग का झारखंड है तो हम लोग कौन है? हम लोग जाते हैं भैया, आप ही लोग यहाँ रह लीजिए, आप ही लोग का झारखंड है, हमला थोड़ी है। अब बोलते हैं ये मैट्रिक पास यहाँ झारखंडी है, अरे भैया इतना बुड़बक नहीं समझिए आदमी को, मैट्रिक पास झारखंडी हो जाएगा तो फिर हो गया बेड़ा पार, जिस तरह ये बिहार था छोड़ दीजिए, इसे बिहार रहने दीजिए, झारखंड अलग राज्य किस लिए, कोई मतलब ही नहीं है। देखिए ये अंगद है जो आपको हर एक आंदोलन में जरूर दिखते होंगे, लड़ते हैं डरते नहीं है। आपने सुना कि 740 नियोजन नीति को लेकर इनका कहना है कि बाहरी नीति झारखंड में नहीं चलेगा, झारखंड झारखंडियों के लिए है, और अगर जो लोग बाहर से झारखंड आए हैं वो सिर्फ झारखंड में रहे, ना कि झारखंड को अपना कहे। फिलहाल मुझे दे इजाजत, सहयोगी नितिन के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज 22 को रांची। बच्चों को दिला रही है क्वालिटी एजुकेशन, तो अब धनबाद से बाहर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि धनबाद में ही खुल गया है DY पाटिल इंटरनेशनल स्कूल, जहां लड़कियों से नहीं ली जाती एडमिशन फी। साथ ही इस साल एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट को जब तक वो स्कूल में पढ़ेंगे तब तक ट्यूशन फी में मिलेगी 20% की छूट। क्वालिटी फैकल्टी, स्टेम लैब, बिग प्ले ग्राउंड, बस फैसिलिटी, यानी कंप्लीट स्टूडेंट फ्रेंडली एनवायरमेंट। DY पाटिल इंटरनेशनल स्कूल, कैलाशपुरम, नियर मेम को मोड़, धनबाद। एडमिशन ओपन। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर, फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स। फॉर योर ब्राइट फ्यूचर विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारे केस्टोमार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। कॉल 9153989339। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और 1 वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।